द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम में करनी से रिलेटेड ट्रिक के बारे में आपको सिखा रहे थे। यहाँ पे देखिएगा, अब तक इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझा दिया था कि जब करनी अनंत बार लगी हो तो तीन टाइप के प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पहला तो क्या होता है, जब आपका प्लस से रिलेटेड चीज़ें हों, माइनस से रिलेटेड हों। आज ये आपका है कि जब आपका क्या हो भैया, गुणा में सारी चीजें दी गई हो, तब आप कैसे कुछ ही सेकंड में आंसर उसका फाइंड आउट करेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आप लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिएगा लिखा है रूट ओवर करणी, रूट ओवर फाइव इंटू रूट ओवर फाइव रूट ओवर फाइव, और ये प्रक्रिया कितनी बार आपकी है भैया, अनंत बार की है, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप पहले मानते हैं यक्स बराबर इतना, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक ना। इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि चीजें बहुत कठिन बन जाती हैं। तो आइए इसको कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दें, ठीक ना, और ये सारी चीज़ें इनटू में लगी हुई हूँ ना, ये सारी चीज़ें क्या हो भैया, इनटू में दिया गया हो, मतलब गुणे के फॉर्मेट में सब सारी चीज़ें हों, और ये प्रक्रिया कहाँ तक हो, अनंत बार हो, तब आप यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर वो आपका होगा, जो नंबर्स रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर होगा, ठीक ना भैया। आप समझिएगा, जो यहाँ पे देखिएगा ये क्या लगा है, रूट ओवर फाइव, फिर आपका रूट ओवर फाइव रूट ओवर फाइव, ये क्या है, सब इनटू में चीज़ें दी गई हैं। तो यही आपका जो फाइव होगा, अगर ये इनटू में सारी चीज़ें दी गई हैं और ये प्रोसेस अनंत बार तक है, तो ये जो नंबर्स है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो पहले का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, आंसर आपका फाइव होगा। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, और ये प्रश्न कई बार खूब पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो यहाँ से देखिएगा, ये आपका क्या है भैया, 13 लिखा गया है, 13 दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा माइनस भी 13 है, तो ये आपका नहीं होगा, कौन होगा, पॉजिटिव वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए तीसरे का कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आंसर कौन सा होगा, तीसरे का कौन सा राइट आंसर आपका होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये क्या है भैया, 17 है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा भैया, 17 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। ये प्रक्रिया कितनी बार, अनंत बार। तो हमने आपको बताया कि जब करणी अनंत बार लगी हो तो उससे रिलेटेड तीन टाइप के प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्लस से रिलेटेड बनता है क्वेश्चंस, दूसरा माइनस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है, और ये तीसरा जब इनटू मतलब गुणा से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। तो ये सारे प्रोसेस हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप ये दोनों ऊपर वाले वीडियो, मतलब ये प्लस वाला और माइनस वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही, तो आप पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, वहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक ना भैया। कभी ना भूलने वाला ट्रिक आपको हमने दिया है। अब यहाँ से देखिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, अगर ये करणी अनंत बार ना लगी हो तब उस पर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक ना, और ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक लेके आएंगे कि जैसे इसमें आपने क्वेश्चंस देखा और आंसर आपके दिमाग में आ गया कि इसका यहाँ पे फाइव है तो इसका फाइव हो जाएगा, यहाँ पे 13 है तो इसका 13 हो जाएगा। यही अप्रोच हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे जब करणी अनंत बार नहीं लगी होगी, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।